हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, उसकी बात करेंगे। और साथ में आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह आपके लिए जो है अच्छी खबर है, जो आपका स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर आ रहा है। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो बच्चे 6वीं 9वीं और साथ में 11वीं किसी भी ग्रुप से तैयारी करना चाहते हैं वह मेरे यहाँ जुड़ सकते हैं। आपके क्लासेस जो हैं ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कराई जा चुकी हैं। आप जो हैं जुड़कर उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर भी उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है उसकी बात कर लेते हैं। जो भी CHS के एस्पिरेंट्स हैं या होने वाले हैं 2022-23-24 में, उनके लिए एक अच्छी खबर है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि CHS का 2 इंटर कॉलेज है, जो आपका वाराणसी में चलता है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमच्छा वाराणसी, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल गुरुबाग वाराणसी, जो पहले से ही 2 आपके जो हैं विद्यालय जो हैं इंटर कॉलेज के चल रहे हैं। BHU का एक और इंटर कॉलेज जल्द ही जो है BHU का एक और इंटर कॉलेज ओपन करने की प्लानिंग हो चुकी है और जल्द ही उसका विस्तार किया जाएगा। उससे पहले हम बता दें कि जो BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका साउथ कैंपस मिर्जापुर बरकच्छा में है। वहाँ पर जो है प्राइमरी सेक्शन पहले से ही आपका स्कूल का चलता हुआ आ रहा है, उसको विस्तार करने की बात इस आपके जो हैं सेशन में बताई जाएंगी। BHU के मिर्जापुर में बरकच्छा स्थित साउथ कैंपस में सेंट्रल हिंदू स्कूल का विस्तार किए जाने की तैयारी चल रही है। जी हां, विस्तार करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल यहां मात्र 5वीं तक ही कक्षाएं चल रही हैं। अब 12वीं तक आपका जो है अध्यापन की व्यवस्था होगी। 2 दिन पहले बरकच्छा में कुलपति प्रोफेसर VK शुक्ला की अध्यक्षता में हुई विश्वविद्यालय की सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसके लिए प्रस्ताव जो है आपको UGC को भेज दिया जाएगा। जैसा कि हम बता दें कि जो आपके VC साहब है उनकी अध्यक्षता में और इनका जो है प्रस्ताव रखा गया है, मांग रखी गई है कि जो आपका साउथ कैंपस है वो आपका इंटर कॉलेज में जो है बदल जाए, जिससे कि और भी बच्चों को ज़्यादा मौका मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं कि CHS में कंपटीशन टफ रहता है, सीटों की संख्या बहुत ही आपकी कम रहती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं फॉर्म बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। और पूर्वांचल के साथ आपके बिहार, झारखंड और आपके मध्य प्रदेश से यहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ने आते हैं। वाराणसी में स्थित BHU के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और साथ में आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में पूर्वांचल से बिहार हर साल 1 लाख से अधिक छात्राएं जो हैं आवेदन करते हैं। जैसा कि हमने बता दिया पहले ही कि मैक्सिमम बच्चे बिहार, झारखंड और आपके उत्तर प्रदेश से जो हैं यहाँ पर जो हैं पढ़ने के लिए आते हैं और लगातार प्रयत्न करते रहते हैं कि एक सीट कंफर्म हो जाए। उसी के लिए हमने जो हैं आपकी क्लासेस स्टार्ट की हैं। आप उसको ज्वाइन करके अपने जो हैं प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। जो आपकी क्लासेस हैं वह आपके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें 6वीं 9वीं और साथ में 11वीं की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, वह भी आपके मिनिमम फीस में। आप एक मध्यम वर्ग के छात्र हैं फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं। पढ़ाई में जो है पैसे की बाधा नहीं आपको आने वाला है। फिलहाल BHU की ओर से 3 स्कूलों में LKG से 5वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। जैसा कि हम बता दें कि जो भी विद्यार्थी है पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि CHS का प्राइमरी सेक्शन भी है। जो आपका प्राइमरी सेक्शन है उसमें आपके LKG में, नर्सरी में, क्लास 1 में आपकी एडमिशन कराए जाते हैं। इसमें वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल कुलहुआ और साथ में आपका रणवीर संस्कृत विद्यालय कमच्छा और तीसरे नंबर पे आपका आता है सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकच्छा साउथ कैंपस से सलाहकार समिति की बैठक में कुलपति के साथ ही आपके वित्त अधिकारी डॉक्टर अभय ठाकुर, साउथ कैंपस के आचार्य प्रभारी प्रो VK मिश्रा, BHU स्कूल बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो संजय श्रीवास्तव, चीफ प्रॉक्टर प्रो VC कपाडी, विज्ञान संस्थान के निर्देशक प्रो AK त्रिपाठी आदि मौजूद थे। बरकच्छा कैंपस के आपके जो आचार्य थे प्रभारी VK मिश्र ने बताया कि सेंट्रल स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होने से स्थानीय के साथ ही बाहरी छात्रों को भी लाभ मिलेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है
कि यहाँ पे जो है पूर्वांचल और साथ में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से बच्चे जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं और लगातार प्रयत्न करने के बाद अपनी एक सीट को कन्फर्म कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ाए हुए मेरे भी अब किसी CHS में पढ़ रहे हैं और वाराणसी में जो मेरी संस्था है यहीं CHS स्कूल से 200 मीटर दूरी पर है। तो आप जो हैं जुड़कर अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ में कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि यह जो वीडियो हमने बताया आपको कैसा लगा और साथ में आप किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं और किस सेशन की तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके की छोटी बड़ी अपडेट के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।